हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्लैमर सेंसेशन फी स्नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। फिलहाल काफ़ी टाइम से बिजी चल रही हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मेरे शॉर्ट्स, मेरी वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे चल रहे हैं एग्जाम्स। तो गाइज आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया है कि मैं आप लोग के लिए शूट कर पाऊँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए मिंत्रा का हॉल वीडियो। तो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। और गाइस शेयर करूं, पता है बहुत सारे पार्सल्स उसमें से खुल गए हैं और बहुत सारे खुले नहीं हैं। और मुझे पार्सल्स ओपन इसलिए करने पड़े क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से शॉपिंग कर रही थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे चल रहे थे एग्जाम्स और अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, बट मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया। तो गाइस ये वाला पार्सल एक ये है, खुल चुका है, बट मैंने पार्सल्स खोल के देखा कि जो मैंने मंगाया है वही आया है ना। बाकी मैंने उसको पूरी तरीके से अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वीडियोस। और कुछ पार्सल्स हैं जो मैंने अनबॉक्स नहीं किए हैं। एक ये पार्सल है एंड ये वाला पार्सल भी अभी अनबॉक्स नहीं हुआ है, मतलब ये ओपन, और एक ये है, इसको मैंने ओपन नहीं किया है। तो आई थिंक 4 पार्सल्स ओपन हो चुके हैं। तो गाइस अनबॉक्स कोई नहीं किया है, बट देखा था अगर मैं पार्सल्स खोल के नहीं देखूंगी तो फिर क्या होगा ना, मुझे रिटर्न करना होगा ना, वो रिटर्न भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट देख तो लेते हैं कि साइज जो मंगाया है वही साइज आया है। कोई वैसे मिंत्रा में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि आप लोगों को कुछ चीज गलत मिल जाए या गलत प्रोडक्ट रिसीव हो जाए, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। मेरे साथ बस एक ही बार हुआ है ऐसा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाला हॉट सेट मंगाया था मिंत्रा से फ्रॉम द ब्रांड वीरांगना। एंड गाइज मैंने इसको मंगाया था एक्सेल साइज में, बट मुझे ये रिसीव हुआ था स्मॉल साइज में। तो मैंने इसको रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद मेरा रिफंड अकाउंट में आ गया था। एंड उसके बाद मैंने फिर एक्सेल साइज ऑर्डर किया इसका। और गाइज आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना तो प्लीज मेरे को कॉमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हो वो प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्सल हम ओपन करने वाले हैं। तो गाइज फर्स्ट पार्सल तो हमारा ये है, ओपन कर चुके हैं पर इसको अनबॉक्स नहीं किया था। तो गाइज मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, नहीं जीन्स है, ओके। तो गाइस मैंने ये जीन्स ऑर्डर की थी मिंत्रा से, मैं वो दिखाती हूँ। ओके तो गाइस ये जीन्स है एंड ये मैंने मंगाई है फ्रॉम द ब्रांड मैडम। एंड मैडम के कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्वालिटी वाइज बढ़िया होते हैं। तो ये जीन्स मैंने मंगाई है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का, ये डेनिम है। एंड इग्नोर करना सीटियों की आवाज़ क्योंकि घर में बन रहा है खाना और मैं कितना भी टाइम निकालूँ ना, दोपहर में शूट करूँगी, शाम को शूट करूँगी, तीनों टाइम खाना तो बनता ही है ना, तो ये सीटियों की आवाज़ तो आएगी। तो खैर इग्नोर करते हैं इसको। तो गाइज़ ये है मेरी जीन्स जो मैंने मंगाई है। एंड अब इसका फ्रंट लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह की जीन्स है ये। थोड़ी डिस्ट्रेस है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लुक है जीन्स का, डिस्ट्रेस लुक है। एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज मैंने इसको ऑर्डर किया है इन द साइज 32। तो अगर आपको नहीं 34 साइज है यार। तो गाइज मैंने इसको ऑर्डर किया है इन द साइज 34 क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लूज लूज सही लगता है। और ये वाइड लेग जीन्स आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वाइड लेग है। इसकी क्वालिटी, इसका लुक एकदम मतलब बढ़िया आया है। मैंने इसको ट्राई करके देखा था एंड मैंने सोचा था कि चलो ट्राई करके तो देख लेते हैं, पता चला फिर ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं मंगाए हुए, बट मैंने इसको अभी तक वेयर नहीं किया है एक भी बार। कुछ इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अच्छी जीन्स है। तो येस ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया है। आप देख सकते हो उसका लुक, ऐसे ही दिखा पाऊंगी मैं आपको। अभी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मुझे प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का ब्रांड आप मेंशन करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हो चुका है। सेकेंड है ये हमारा सूट जो कि मैंने मंगाया है फ्रॉम द ब्रांड वीरांगना। एंड दिस कॉट सेट इज ऑसम। मैंने काफ़ी रिव्यूज सुने थे इसके तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेट्स क्विकली ओपन इट। देखो गाइस इसको मैंने खोल के नहीं देखा है, आप देख सकते हो। अगर तुम मिंत्रा का पैकेट ओपन करोगे ना, ये वाला ये फट चुका होगा। तो ये बिल्कुल सही सलामत है। मैंने बस कलर चेक किया था कि कलर जो मैंने मंगाया है वो है या नहीं। तो यस इसको ओपन करते हैं। देखो मैं इसको खोल रही हूँ, इसका ये ओपन नहीं होगा, ये फटेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है। ठीक है, लेट्स ओपन इट। ओके गाइज तो ये है हमारा वीरांगना का कॉट सेट। ओके तो कुछ इस तरह का कॉर्ड सेट है ये, एंड इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की काफ़ी डिज़ाइनर लुक में है। एंड इसमें आपको ट्राउज़र मिल जाता है साथ में। ट्राउज़र इसका बहुत ज़्यादा लाइक मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर है। ये देखो इसके ट्राउज़र में आपको सेम बिल्कुल यहाँ पे नेट मिल जाता है। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा ऑसम कंफर्टेबल फैब्रिक है। समर्स के लिए ये कॉर्ड सेट एकदम परफेक्ट है गाइस। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो मुझे लिंक कमेंट करना, मतलब लिंक लिखकर कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइस ये है कॉर्ड सेट, इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है इलास्टिक, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। प्राइस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी इसका, आप लोग मुझे इसको कमेंट करना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। ठीक है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये कुर्ता है इसका, एंड ये इसका ट्राउज़र है, बहुत सही लगता है। तो गाइस चलते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ। इसको रख देते हैं संभाल कर, 1 2 3 ओके, हम इसको बाद में फोल्ड करेंगे। तो गाइस चलो अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं ये वाला पैकेट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या है इसके अंदर। मैं कितनी बार भूल जाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था, और इसलिए मुझे ओपन करके देखना पड़ता है, बट ये वाला पार्सल अनबॉक्स नहीं हुआ है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो इसमें हो सकते हैं आई थिंक शूज़, क्योंकि मुझे बॉक्स काफ़ी बड़ा लग रहा है। यस ओके, तो गाइस माय गेस इज राइट। इसमें है जूते मेरे, बिल ये शूज़ है फ्रॉम द ब्रांड जिंजर। एज यू ऑल नो जिंजर लाइफस्टाइल की ब्रांड है, तो ये उस ब्रांड के शूज़ है जिंजर के। स्नीकर्स हैं यार एक्चुअली। वाओ इट लुक्स अमेजिंग, लेट्स सी इस क्वालिटी। तो गाइस आई बॉट दिस स्नीकर इन माई साइज 39, एंड ये कुछ इस तरह के स्नीकर्स हैं वाइट, एंड इस पर ये थोड़ा सा यू नो मल्टी प्रिंट है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। मुझे वाइट स्नीकर्स चाहिए थे काफ़ी टाइम से, एंड कुछ ऐसा भी चाहिए था कि थोड़ा सा यू नो फैंसी लुक लगे। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्नीकर्स हैं। इसका फैब्रिक मतलब अंदर का जो उसका मटीरियल है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पहन के तो साइज़ मेरा ये है। बाकी यहाँ पे आपको ब्रांड लोगो मिल जाता है जीजी जिंजर, एंड बढ़िया क्वालिटी है यार। सो गाइज दीज आर माई ब्यूटिफुल सेक्सी स्नीकर्स, जो कि मैंने मिंत्रा से लिए है, जिंजर ब्रांड के हैं। क्वालिटी इसकी एकदम सुपर्ब है, एकदम बढ़िया मज़ेदार। इसका लुक आप देख सकते हो यहाँ से कितना ज़्यादा सही लुक दे रहा है, एंड काफ़ी अच्छा मटीरियल है, कम्फर्टेबल भी होने चाहिए। तो गाइज इसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। सो आपको अगर इसको बाय करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसका। सो येस, गो एंड चेक आउट दीज स्नीकर्स, आई लव इट। तो गाइज लेट्स मूव टू आवर फोर्थ प्रोडक्ट। दिस इज द बिगेस्ट पैकेट इन माई टोटल शॉपिंग। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ निकलती है। इसको ओपन नहीं किया है, तो हम इसको अभी ओपन नहीं किया है, इसको हम सबसे पहले अनबॉक्स करने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या है इसके अंदर। तो गाइज इस पैकेट को अभी तक ओपन नहीं किया है, तो उसको फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, आखिर क्या हो सकता है। मुझे इसके अंदर भी शूज़ लग रहे हैं, बाकी ओपन करके देखते हैं। ओके यस आई एम राइट, इसके अंदर शूज़ हैं। तो गाइज ये शूज़ है फ्रॉम द ब्रांड US पोलो, और ये मेरे जूते नहीं हैं, ये मेरे पापा के जूते हैं, एंड ही डोंट नो अबाउट इट। तो आज रात को उनको पता चलने वाला है कि मैंने उनके लिए शूज़ ऑर्डर किए हैं। तो गाइज दीज आर दी स्नीकर्स फ्रॉम द ब्रांड US पोलो, एंड कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो पापा को आई थिंक ये पसंद आएंगे, एंड उनको ना फंकी लुक ज़्यादा पसंद है। और ये जो स्नीकर्स है ना, ये इसका मटेरियल जो है वो फैब्रिक मटेरियल है। तो गाइस इसका जो अंदर का ये पार्ट है ना, इसमें भी कुशन लगा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और इसका लुक, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है US पोलो, एज यू कैन सी इट। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दे रखी है, एंड दिस इज लुकिंग सुपर 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 कूल। तो ये मेरे डैडी के ऊपर भी बढ़िया लगने वाला है, तो लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होता है। तो गाइस इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो डू चेक इट आउट। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स फिफ्थ पैकेट। पाँचवा ही तो हुआ, 1 2 3 4 हाँ ओके। सो दिस इज माई सूट, आई बॉट दिस फ्रॉम दी ब्रांड लिबास, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा कुर्ता सेट है ये, एकदम मस्त। इसका कलर है ग्रीन कलर, तो डार्क ग्रीन कलर है इसका, हम इसको बॉटल ग्रीन कलर भी कह सकते हैं, मतलब है ही बॉटल ग्रीन कलर। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स ओपन इट क्विकली। तो गाइस इसका दुपट्टा कुछ ऐसा है, मैं पहले सूट्स के दुपट्टे देखती हूँ उसके बाद सूट लेती हूँ। अगर सूट का दुपट्टा अच्छा हुआ तभी मैं वो सूट खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे दुपट्टों से बहुत प्यार होता है। तो गाइस इसका दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और थोड़ा पार्टी वेयर लुक भी दे रहा है, एज यू कैन सी। एंड इसके सूट का जो इसका जो दुपट्टा है ना, इसका फैब्रिक है सिल्क। तो गाइस आप देख सकते हो इस पर जो वर्क किया गया है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। एंड प्रिंटेड क्वालिटी तो लाइक क्या होता है ना, कभी कभी प्रिंट्स रिमूव हो जाते हैं, तो मैं प्रिंट्स कम लेती हूँ। बट अगर आप किसी अच्छे ब्रांड्स में ख़रीद रहे हो प्रिंट, तो वो कभी भी नहीं जाएगा, उसकी क्वालिटी एकदम सुपर्ब होती है। तो वैसे तो इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, सिल्क तो होता ही बेस्ट है। बाकी मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, इसका कुर्ता। ओके गाइस, तो ये है इसका कुर्ता। इसकी स्लीव्स मैंने हाफ स्लीव्स ली हैं, इस पर ये लगी हुई है, क्या कहते हैं इसको, सिखिया कहते हैं आई थिंक, बट ये थोड़े अलग तरीके की सिखिया है। क्वालिटी इसकी बढ़िया है। एंड कॉटन फैब्रिक मेंशन था इसके डिस्क्रिप्शन में, जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन चेक किया था। कॉटन तो ये नहीं लग रहा है मेरे को प्योर, बट हाँ फैब्रिक इसका नो डाउट अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हल्का फैब्रिक है, आपको उसमें गर्मी नहीं लगेगी और ये सी थ्रू भी नहीं होगा, तो ये एकदम बढ़िया है। इसके साथ एक मिल जाती है ट्राउज़र। हाँ ये ट्राउज़र है, इसकी ट्राउज़र भी एकदम, नहीं ट्राउज़र नहीं है गाइज, ये प्लाजो है। ओके तो गाइज ये प्लाजो है एंड लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, बाकी पहन के पता चलेगा। एंड इसमें आपको मिल जाती हैं बोथ ही साइड्स पॉकेट्स, एक इधर भी पॉकेट है एंड एक पॉकेट इधर भी है। तो बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है। एंड इसका ओरिजिनल प्राइस है 3000, बट मुझे ये बहुत सस्ते रुपए में मिला है। मतलब जो इसका प्राइस है ना, आप सुन के दंग हो जाओगे। आपको जानना है इसके प्राइस तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूँगी और आप जाके ऑर्डर करो। प्राइस के अकॉर्डिंग दिस कुर्ता सेट इज एकदम वर्थ इट। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ पैकेट। तो इसको हम करेंगे बाद में फोल्ड डाउन। लेट्स पुट इट हियर एंड ओपन दिस पैकेट, लास्ट पैकेट। तो ये हमारा लास्ट पैकेट है, छोटू सा। क्या हो सकता है इसके अंदर बताओ, मत करो गैस, मैं बताती हूँ। तो इसके अंदर है एक हैंड बैग एंड आई बॉट दिस बैग फ्रॉम दी ब्रांड मैंगो। एंड ये स्मॉल शोल्डर बैग है और क्वालिटी तो इसकी खोलकर ही पता चलेगी। इसको फटाफट खोलकर देखते हैं पहले। तो ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है पार्सल, इवनिंग में ही, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। ओके दिस इज द बैग, स्मॉल शोल्डर बैग। इसका ये यहाँ पे ताला है, इसका ताला नहीं है ये इसका ऐसी डिज़ाइनिंग है। एंड यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दे रखी है MNG विच डिनोट्स मैंगो। एंड चलो ये इसका कुछ अंदर से है ऐसा, इसमें एक स्लिंग चेन भी है। वाओ सुपर, ये है इसकी स्लिंग चेन। एंड स्लिंग चेन की क्वालिटी इज़ वेरी 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 गुड, काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल है इसका। एंड बढ़िया है, ओपन करके देखते हैं इसकी स्पेस। यार छोटा तो है यार, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट कोई नहीं, इसमें मेरा आईफोन तो आ ही सकता है। यार ये छोटा है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है ना, बट अच्छा लग रहा है। मिनी बैग ज़्यादा अच्छे लगते हैं बड़े बड़े बैग से। तो अंदर भी आपको उसकी ब्रांडिंग दे रखी है, बाकी अंदर से कुछ ऐसी की स्पेस है, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठीक है। आपका फ़ोन आ जाएगा, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, आपके कार्ड्स भी आ जाएंगे, और क्या चाहिए भाई, फ़ोन ही तो रखना होता है। तो गाइज़ इसका ओरिजिनल प्राइस मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसका ओरिजिनल प्राइस है रुपीज़ 3000 और ये मुझे मिला है बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे। तो मैं आपको इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें एक कलर और था ब्लैक, बट मेरे पास सब कुछ ब्लैक है। अगर आप लोग मेरी कबर्ड देखोगे ना, मैं अपनी क्लोजेट का हॉल भी आप लोगों के लिए एक दिन ज़रूर लेकर आऊँगी। उसके अंदर आपको 80% कपड़े ब्लैक मिलेंगे। ब्लैक टी शर्ट्स, ब्लैक जीन्स, ब्लैक सूट्स, ब्लैक हैंड बैग्स भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो गाइस हर चीज़ ब्लैक होती है, तो मैं सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा पिंक पिंक शॉप करते हैं। और ये इस वाले कॉर्ड सेट के साथ एकदम सुपर लग रहा है ना, है ना, एकदम मैच कर रहा है ना इस वाले कॉर्ड सेट के साथ। पता ही बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इसके साथ मैच करेगा, बट मैंने सोचा कि इसमें ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर नहीं लेते हैं, पिंक कलर लेते हैं। बाकी गाइस इसकी जो मटीरियल है ना, ये लेदर का मटीरियल है और ये काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइनिंग है, बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, सोचना नहीं पड़ेगा आपको उसको कैरी करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टू कैरी है, एकदम बढ़िया। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो गाइज़ जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नई वीडियो के साथ, नया हॉल लेकर आएंगे हम। तो ये था मेरा मिंत्रा का हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मुझे कमेंट करना कि आपको कौन से प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, उस लिंक को ओपन करना, उसके बाद वहाँ से शॉपिंग करना। एंड अभी मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा तगड़ी सेल चल रही है, तो आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी बड़ी बड़ी हाई ब्रांड्स आप लोगों को 70-80% डिस्काउंट्स पे दे रही है। तो ये मैंने जितना भी ये तामझाम मंगाया है ना, ये 70-80% के डिस्काउंट पे मंगाया है। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी जल्दी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। एंड जल्दी लेकर आएंगे नया हॉल वीडियो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करो। ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार करते रहो और ढेर सारी मेरे को कॉमेंट्स करो, लाइक करो इस वीडियो पे, और हाँ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।